बेमेतरा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का एक नवीन गठित जिला है, जिसका गठन 1 जनवरी 2012 को दुर्ग जिले के विभाजन के पश्चात हुआ है। यह दुर्ग जिले के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जिसके कुल क्षेत्र पर 2854 वर्ग किलोमीटर है और जिले की कुल जनसंख्या लगभग 7,95,760 है। इस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य के 7 जिले यानी दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, मुंगेली, खैरागढ़, छुई, खदानगंडई और कवर्धा, राजनांदगांव से घिरी हुई है। इस जिले की साक्षरता दर 70.58% है। इसमें कुल गांवों की संख्या 702 है और नगर पालिका की संख्या 8 है। दोस्तों, इस जिले में चने का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस जिले में रेल मार्ग नहीं है, इस जिले में सिर्फ सड़क मार्ग ही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बेमेतरा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। दोस्तों, जय माँ भद्रकाली मंदिर। बेमेतरा में स्थित यह मंदिर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही धार्मिक महत्व है। यह पूजा के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है जो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में स्थित है। दोस्तों, अगला है माँ सिद्धि माता मंदिर बेमेतरा। यह बेमेतरा में ग्राम संडी में स्थित है और यह मंदिर छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। करो कन्या मंदिर बेमेतरा। दोस्तों, यह मंदिर बेमेतरा जिले के बेरला में स्थित है। इस मंदिर को कुंवारी कन्या के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में देवी काली और माता सरस्वती जी विराजमान है और इस मंदिर के बाहर में 52 फीट ऊंचा शिवलिंग का भी निर्माण किया गया है। तो अगला है जूनी सरोवर। यह मंदिर बेमेतरा जिले में नवागढ़ में स्थित है। यह मंदिर इस जगह में निवासी के प्रमुख आस्था का केंद्र बना हुआ है और प्रत्येक वर्ष पौष के समय और प्रत्येक वर्ष में एक बार यह मेला का आयोजन भी किया जाता है। तो आगे है स्वयंभू शिव मंदिर मरका। यह मंदिर बेमेतरा जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पर नवागढ़ मार्ग पर ग्राम मरका में तुरतुरिया नामक संगत स्थल पर यह मंदिर मौजूद है। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ जो शिवलिंग रखी गई है, यहाँ जो शिवलिंग विराजमान है, वह लगातार बढ़ता जा रहा है और इस मंदिर में शिवलिंग के अलावा और 12 छोटे मोटे मंदिर भी स्थित हैं। तो दोस्तों, ये तो रही छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला की कुछ खास बातें और उनके पर्यटन स्थल के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर कुछ जानकारियाँ छूट गई होगी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इसे अगले वीडियो में ऐड करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो भाई लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।